तो हेलो एंड वेलकम गाइज, टेक्निकल इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के लिए एक बहुत ही प्यारे फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक फोन के बारे में जो कि आप वीवो किसी भी डिवाइस में फ्री अप्लाई कर सकते हो, फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करोगे आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो यार आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फोन का लिंक दे दिया, वहां से आपको फोन को डाउनलोड करना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं करना क्या है। एक फाइल मैनेजर का लिंक भी दे दिया मैंने, उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उस फाइल मैनेजर को आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यार कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सो हिडन फाइल्स, ये ऑफ रहता है गाइस, इसको ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो सिस्टम की फाइलें रहती हैं वो शो करने लगेंगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब आपको इंटरनल पर जाना है, डाउनलोड फोल्डर में आपको आपका फॉन्ट मिल जाएगा। फिलहाल मैंने जो डाउनलोड में नहीं रखा है, ठीक है, तो मैंने रखा है कहाँ पर, एप्लो में। तो यहाँ पर ये मेरा फॉन्ट है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम जो है स्केटसोनिक, ठीक है, तो ये नाम है इस फॉन्ट का। तो आपको सिंपल से इसे कॉपी कर लेना सिलेक्ट करके, फिर बैक जाना है और यहाँ पे DWD का फोल्डर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे DWD का फोल्डर मिल जाएगा, इसमें जाना है, यहाँ पे जितने फोल्डर आपको मिलते हैं सारे ओपन करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद जब 5 फोल्डर यहाँ पे आ जाएं तो रुक जाना है, ठीक है। 5 फोल्डर यहाँ आ गए तो आपको यहाँ पे DFTUW, तो आपको जो है F वाले फोल्डर में इस 3 फॉन्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है गाइस। अब गाइस आपको क्या करना है कि अपना iThemes ओपन करना है, फिर से क्लोज कर देना है, यानी कि रिसेंट में से हटा देना है, ठीक है। फिर से ओपन करना है और जाना है अपने फॉन्ट में। फॉन्ट में चेक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये फॉन्ट ऐड हो चुका है। सिंपल आप इसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये फ्री फॉन्ट है और कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा जो फॉन्ट है वो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो चुका है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्लाई हुआ है या नहीं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जो फॉन्ट है अप्लाई हो चुका है, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही प्यारा देखने में फॉन्ट लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये फॉन्ट देखने में लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी है जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा ये फॉन्ट देखने में लग रहा है। तो इस तरीके का कुछ ये फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डायलर वगैरह आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगी। डायलर में जो भी नंबर आएंगे वो सारे स्टाइलिश टाइप के नज़र आएंगे और अगर आप कोई ब्राउजिंग वगैरह या फेसबुक वगैरह यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी ये सारे फॉन्ट अच्छे से वर्किंग करेगा। कोई भी किसी टाइप का आपको इसमें बग्स देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप का आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।